और इसी बीच अपडेट आपको दे दें कि एलएसी के हालात पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में अपना बयान देंगे। रक्षा मंत्री 3 बजे लोकसभा में एलएसी के हालात की जानकारी देंगे। एलएसी पर चीन के साथ कई दिनों से तनाव बना हुआ है और विपक्ष भी लगातार इसे लेकर हमलावर है। भारतीय सेना कई बार चीन के नापाक इरादों को नाकाम कर चुकी है, लेकिन वहां पर ताजा परिस्थिति क्या है, सरकार किस तरह के मूड में है और क्या तैयारियां हैं, इसी को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 बजे लोकसभा में एलएसी के हालात की जानकारी देंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ब्रह्म प्रकाश दुबे, ये आज बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर रहा है, लेकिन ये सरकार का स्टैंड होगा, आज हिंदुस्तान का स्टैंड होगा, बताया जाएगा कि हम कहां पर खड़े हैं कहां पर नहीं। बिल्कुल, देखिए आज संसद के सत्र का दूसरा दिन है और कल सुबह से लोकसभा शुरू हुई थी, लेकिन आज 3 बजे से शुरू होगी और 9 बजे से सुबह से 1 बजे तक राज्यसभा है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से बीते 4 महीने में एलएसी पर स्थिति है, खासतौर से चीन के साथ जिस तरह से टकराव की स्थिति है, कांग्रेसी सांसद और विपक्ष के दूसरे सांसद लगातार सवाल उठाते रहे हैं प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बावजूद कि हमारी 1 भी इंच भारतीय जमीन कब्जे में नहीं है, ना ही उस जमीन पर कब्जा है चीन का, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी सांसद सवाल उठाते रहे हैं। खासतौर से राहुल गांधी बार बार ट्वीट करते रहे हैं, सवाल सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। माना जा रहा है कि आज राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं पूरी स्थिति स्पष्ट करेंगे कि सीमा पर स्थिति क्या है, चीन के साथ भारत की पोजीशन क्या है, कितने जो विवादित इलाका है वहां पर स्थिति क्या है, तो इस ये पूरा ब्यौरा आज संसद को उपलब्ध कराएंगे, सांसदों को जानकारी देंगे। सरकार की तरफ से पहले ही बार बार बयान दिए जाते रहे हैं, स्थिति स्पष्ट की जाती रही है और साथ में चीन को संदेश भी दिया जाता रहा है भारत का। ये तो क्योंकि सत्र है और औपचारिक तौर पर अपनी बात वो रखेंगे, लेकिन इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 बार दौरा ये बता चुका है कि हम किस तरह से तैयार हैं और कहां इस वक्त हिंदुस्तान पूरे विश्व में स्टैंड करता है। शुक्रिया आपका ब्रह्म प्रकाश, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।